Shanti Stupa is a Buddhist stupa located in Leh City. ये 1991 में एक जापानीज मंक ने बनाया था एंड यू नो इट होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन यू नो अमंग द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन लेह सिटी बट अदर देन दैट इट इज ऑल्सो अ प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये स्तूपा एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है जहाँ से पूरे लेह टाउन का और उसके आसपास की वैली का एक पैनोरामिक व्यू आता है एंड यू नो इन माई ओपिनियन It is possibly the best place to see the sunset in Leh. वैसे तो शांति स्तूप पूरा दिन ही खुला रहता है. आई थिंक ये सुबह 8:30 बजे खुल जाता है एंड देन शाम को 7-7:30 बजे तक खुला रहता है. यू कैन विजिट हेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द डे बट सीन कुछ ऐसा है कि क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और लेह में धूप वैसे ही बहुत तेज़ होती है सो इफ यू आर देयर यू नो इन द डे तो आपको गर्मी बहुत लगेगी, धूप बहुत तेज होगी, व्यूज भी इतने अच्छे नहीं मिलते. सो इन माई ओपिनियन द बेस्ट टाइम टू बी देयर इज एनी टाइम आफ्टर 5 or 6 PM जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पर. यू नो वहाँ से व्यू बहुत अच्छे आते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है एंड लेह में आप कहीं भी हों, राइट? आई मीन बिकॉज छोटा सा शहर है लेह. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वेयर यू आर स्टेइंग इन लेह, शांति स्तूपा तक जाने में आई थिंक हार्डली 15 से 20 मिनट एटमोस्ट लगने हैं आपको. एक सड़क है जो पूरी शांति स्तूपा तक जाती है. देयर इज अ मोटरेबल रोड. थोड़ी सड़क थोड़ी स्टीप है बट इट्स अ गुड रोड और गाड़ियाँ ऊपर तक जाती हैं सो यू कैन ईजिली ड्राइव टू शांति स्तूपा. आई थिंक 30 या 40 रुपये की वहाँ एक एंट्री फी है पर पर्सन, स्मॉल अमाउंट. दैट इज़ द ओनली अमाउंट दैट यू नीड टू पे. If you want to track, then there is also a steep set of stairs जो बिल्कुल यू नो जहाँ से आप शांति स्तूप की सड़क है वहीं पर आपको दिख जाएगा सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर. If you are, if you want to climb the stairs, then you can walk as well, which I doubt anyone would want to do. So, yeah, you can just drive all the way to शांति स्तूप and see the sunset from there. मैं लद्दाख पहले गया हूँ और शांति स्तूप भी मैंने पहले देखा हुआ था during my recent trip. We visited शांति स्तूप again. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब आपके वहाँ पर हुआ. इट वॉज आवर सेकेंड डे इन लेह. हम लोग सैटरडे शाम को लेह पहुँचे थे, देन संडे को दिन में वी विजिटेड शे पैलेस, देन थिक्से मॉनेस्ट्री. उसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए, वी रेस्टेड फॉर वाई इन द होटल एंड देन शाम को फिर हमने डिसाइड किया कि शांति सुबह चल के वहाँ से सनसेट देखते हैं. सेकेंड डे इन लेह और उसके बाद हमारा लेह में तकरीबन 6 से 7 हफ्ते रुकने का प्लान था. हम लोग शांति स्तूप पहुँचे. मैं 2 कैमरास कैरी कर रहा था, एक तो मेरा निकॉन Z6 II वो था मेरे पास एंड एक मेरे पास GoPro था.
एंड देन आई वाज कैरिंग द ट्राइपॉड एज वेल. तो वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ हम लोगों ने जो शांति सरोवर उसकी परिक्रमा की, फिर मैंने अपना नाइकॉन जो है वो यू नो ट्राइपॉड भी लगाया एंड उसके बाद वाज ट्राइंग टू कैप्चर द सनसेट. मेरे साथ लविश था, माई फ्रेंड. सो फिर लविश ने मेरे से पूछा कि यू नो गोप्रो कहाँ है, बिकॉज गोप्रो उसके पास भी नहीं था और मेरे पास भी नहीं था. आई चेक माई पॉकेट्स, ही चेक हिज पॉकेट्स एंड हमें गोप्रो नहीं मिला. अब फिर आई थॉट कि हमने लास्ट कहाँ रखा था. फिर मुझे याद आया कि जब परिक्रमा करने हम लोग गए थे वहाँ पर ऊपर जूते अलाउड नहीं है, तो मैंने जूते उतारे थे. तो परिक्रमा करके हम लोग वापस जब नीचे आए जो प्लेटफॉर्म है पूरा शांति स्तूपा का, वहाँ पे फिर मैं ऑब्वियस जूते पहन रहा था तो गोप्रो मेरे हाथ में था और मैंने गोप्रो वहाँ साइड में नीचे रख दिया. और उसके बाद फिर मैं उठा और गोप्रो वहीं नीचे रखा रह गया और मैंने अपना जो नाइकॉन था वो यू नो ट्राइपॉड पे लगाया एंड मैं सनसेट भी कैप्चर करने लग गया. लवेश अपना फ़ोन लेके कुछ और फोटोज़ खींचने में बिजी था और हम भूल गए कि गोप्रो वहाँ नीचे रखा हुआ था. अब लोगों ने वहाँ चेक किया, गोप्रो वहाँ नहीं था, तो वहाँ से कोई उठा कर ले गया. काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे शांति स्तूप पे कि शायद कहीं दिख जाए, किसी के हाथ में दिख जाए, बट नहीं मिला. उसके बाद फिर हम लोग नीचे जो गेट है शांति स्तूप का वहाँ पर आए. वहाँ पर कुछ हमने मंक्स से पूछा कि कोई किसी ने कैमरा दिया क्या या फिर कोई लॉस्ट एंड फाउंड अगर कुछ है आपके पास तो, बट दे सेड नो. तो गोप्रो खो गया. अब जो सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप था, पूरे ट्रिप के वीडियो सभी बनाने बाकी थे एंड इट वॉज यू नो इट वॉज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज वो गोप्रो एक्चुअली नया ख़रीदा था मैंने उस वक्त. तो मेरा एकदम मूड ख़राब हो गया कि अब क्या. बहरहाल मतलब नाइकॉन तो मेरे पास था ही तो वीडियोस तो इससे बन जाते, बट वही है कि गाड़ी पे सामने लगा के नाइकॉन लोग तो रख नहीं सकते, तो रोड वीडियोस के लिए गोप्रो ही ठीक है. बहरहाल कुछ कर नहीं सकते थे. कुछ टाइम तक हम लोग वहाँ शांति स्तूप पे ढूंढते रहे और अंधेरा हो गया एक्चुअली वहीं पर हमें ढूंढते ढूंढते कैमरा, बट नहीं मिला. मीनू उसके बाद वो बंद होने का टाइम भी हो गया, सर्दी भी काफ़ी हुई थी कभी ऊपर एंड ऊपर कोई बचा भी नहीं था पूछने के लिए. तो वहाँ से फिर हम लोग ड्राइव डाउन करके नीचे आए. यू नो आई वाज थिंकिंग अब क्या, तो नया कैमरा गया प्लस वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगी. अब नीचे पहुँचे, बड़ा प्लान था कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे वहाँ पे डिनर करेंगे, बट वो मूड इतना ख़राब हो गया था कि होटल के पास में शर्मा जी का ढाबा दिखा वहाँ पे गए, जाके दाल रोटी खाई और वहाँ से हम लोग जो है वापस अपने होटल पहुँचे. अब होटल आते आते हम लोगों को तकरीबन रात के 10 बज गए थे. जैसे हम लोगों ने होटल में एंटर किया और रिसेप्शन पर जो होटल के ओनर थे वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे. उन्होंने हमें देखा और देखते ही कहा कि आप लोग अपना कैमरा कहीं छोड़ कर आए हो. आई वाज लाइक कि हाँ आपको कैसे पता. एंड ही सेड कि मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा हूँ, इनको आपका कैमरा मिला है. तो आई टुक द फ़ोन फ्रॉम हिम एंड फ़ोन पर दूसरी तरफ एक लेडी थी. उन्होंने बताया कि गोप्रो उनको मिला है शांति स्तूप पर, मेरी उनसे बात हुई. तो बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका था और वो लेह से बाहर एक छोटा सा गाँव है चुशू, तो वो वहाँ की थी. तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, मैं एनीवे कल लेह आऊँगी तो मैं आपका कैमरा आपको पकड़ा दूँगी. फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि कैमरा मेरा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली. तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका कैमरा लेके घर पहुँची. घर पहुँच कर फिर मैंने आपके सारे वीडियोज़ देखे. अब हुआ ये था कि हम लोग सैटरडे को लेह पहुँचे और संडे को सुबह सुबह होटल से निकलने से पहले मैंने एक होटल का वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ, इट्स अ नाइस प्लेस टू स्टे. और उस वीडियो में मैंने होटल का नाम भी बोला था. सो दैट लेडी शी व्यूड ऑल द वीडियोस और उस एक वीडियो में उनको उस होटल का नाम सुनाई पड़ा मेरे मुँह से. फिर उन्होंने उस होटल का नाम सर्च किया गूगल में, वहाँ का फ़ोन नंबर उठाया और फिर रात को 10 बजे शी कॉल्ड द रिसेप्शन एरिया. आई मीन टॉक अबाउट गुड पीपल राइट. एनीवे उनसे बात हुई, दिल को तसल्ली मिल गई, चलो गोप्रो मिल गया, रात को नींद भी अच्छी आई. अगले दिन मंडे को उन्होंने कहा था वो ले आएंगी, तो वो तो खैर पॉसिबल हुआ नहीं, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई. फिर ट्यूसडे को हम लोग शूट गाँव गए, उनके हस्बैंड से फिर मेरी बात हुई एंड वी अग्रीड के यू नो मीटिंग प्लेस कि आप यहाँ पर आ जाना, मैं आपको यहाँ मिल जाऊँगा. हम लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने मेरा गोप्रो मुझे वापस किया. नाउ आई थिंक व्हेन आई थिंक अबाउट इट, अगर ये गोप्रो शायद कहीं और खोया होता तो शायद नहीं मिलता राइट. आई मीन ले में खोया, किसी ने मेरा गोप्रो उठाया, वो उसे लेकर वापस गई, उन्होंने उसके वीडियोस डाउनलोड करे, मेरे सारे वीडियोस देखे एंड उसमें अराउंड दो तीन लास्ट टू थ्री डेज की फुटेज थी. हम लोग कारगिल में थे, कारगिल से ले आए
और संडे को पूरा दिन लेह में घूम रहे थे, तो काफ़ी सारे वीडियोस थे उसके अंदर। उन्होंने वो सारे वीडियोस देखे, एक वीडियो में से उन्होंने उस होटल का नाम सुना, नंबर सर्च किया और फिर मुझे कॉल करके मेरा कैमरा मुझे वापस किया। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ आवर विजिट टू शांति स्तूपा एंड माई गोप्रो।